वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहिल के कारवा में। और भाई आज है अपने पास ऑल न्यू स्कॉर्पियो एन, जो कि आप सामने देख रहे हैं। ये भाई इसका आप रेड कलर देख रहे हैं, ब्लैक और वाइट तो आप लोगों ने बहुत सी देखी होंगी, बट ये कलर कुछ यूनिक लगा तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दिया जाए। बाकी आप लोगों को देखने में कैसा लग रहा है लुक वाइज, भाई कहीं से आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि थोड़ा ऑड वगैरह समझ में आए, तो ये चीज़ नहीं है। रेड कलर में हालांकि काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी। बाकी बात कर लेते हैं इसी कार के बारे में, तो भाई ये आप Z8 लग्जरी टॉप एंड मॉडल देख रहे हैं डीजल ऑटोमेटिक में, जो कि भाई स्कॉर्पियो एन का टॉप एंड मॉडल आता है। शुरुआत करेंगे कार की की से, की कुछ इस तरह की आप देख सकते हैं, दोनों ही की आप लोगों को फ्लिप की देखने में मिलेंगी, जिस पे कुछ कंट्रोल्स वगैरह आप देख सकते हैं, लॉक अनलॉक और भाई बूट ओपन करने का इसमें आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा। बाकी बात करें कार के फ्रंट एरिया की, तो भाई सबसे पहले सामने की साइड आप यहाँ पे ऑटोमेटिक वाइपर्स वगैरह देखेंगे इसमें, और बोनट एरिया भाई काफ़ी ही ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं हाथ वहाँ तक भी नहीं पहुँच रहा है, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को लंबी चौड़ी देखने में लगेगी। एक भाई बिल्कुल ही माफिया वाला लुक आता है कार में। बाकी बात करें फ्रंट से, तो कुछ इस तरह से आप 6 स्टेप में इसकी फ्रंट ग्रिल देखेंगे। सामने महिंद्रा का नया वाला बटरफ्लाई लोगो, और उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा दिया गया है। और बात करें इसके हेडलाइट्स वगैरह की, तो हेडलाइट्स आप लोगों को टोटली LED बेस्ड देखने के मिलेंगी यहाँ पर, और उसी के जस्ट नीचे आप LED बेस्ड इंडिकेटर्स भी पाएंगे। प्रोजेक्टर का सेटअप इसमें दिया गया है लो बीम पे, बाकी हाई बीम पे आप LED पाएंगे कुछ इस तरह से। बात करें नीचे, तो भाई नीचे की साइड आप लोगों को LED DRLs और साथ साथ उसमें LED बेस्ड प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स भी देखने को मिलेंगे। इसमें ही आप लोगों को फ्रंट बम्पर में कुछ इस तरह से पार्किंग सेंसर्स वगैरह देख सकते हैं। फ्रंट लुक कुछ इसी तरह से है, बाकी इसमें नीचे भी आप देख सकते हैं सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है। ओवरऑल भाई लुक वाइज काफ़ी अच्छी लगती है, बोनट के स्कूप्स वगैरह आप देख सकते हैं। बाकी आ जाते हैं कार के साइड लुक पे, तो साइड में आप कुछ इस तरह से आउट क्लाइडिंग देख सकते हैं। बेजल्स वगैरह काफ़ी पतले दिए गए हैं, बट भाई कार पे काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहे हैं ये। बात करें टायर प्रोफाइल की, तो भाई यहाँ पर आप लोगों को मल्टी स्पोक्स डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिनकी साइज़ भाई 18 इंचेस की है, और MRF के टायर्स ऑफर किए गए हैं यहाँ पर। चारों ही पहियों में आप लोगों को डिस्क ब्रेक्स देखने के लिए मिलेंगे। आउट क्लाइडिंग कुछ इस तरह से देख सकते हैं, सेंटर में भी यहाँ पर आप लोग सिल्वर वर्क पाएंगे इसमें। बाकी बात कर लें इसके साइड व्यू मिरर्स की, तो मिरर्स वगैरह आप लोगों को इंडिकेटर इसमें प्लेस्ड मिलेंगे, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल दोनों ही ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे आप लोगों को। और डोर हैंडल्स वगैरह इसमें आप लोगों को बॉडी क्लाइड के साथ साथ क्रोम ट्रीटमेंट भी देख सकते हैं ऊपर से, और को पैसेंजर साइड भी यहाँ पर आप लोगों को रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिलेगा। और इसकी जो भाई विंडो क्रोम गार्नेस है वो पीछे तक रन करती है, आप देख सकते हैं लास्ट ग्लास तक भी कुछ इस तरह से ऊपर तक, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। बात करें ऊपर की, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरह से रूफ रेल्स वगैरह देख सकते हैं सिल्वर कलर में, काफ़ी अच्छी लग रही हैं। और पीछे साइड आप कुछ सार्फेन एंटीना नज़र आ रहा होगा। बाकी रियर डिस्क ब्रेक्स कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कार में, यहाँ पर इसका फ्यूल कैप दिया गया है, जिसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप डीजल वगैरह का ऑप्शन, बाकी ये आप लग देख रहे हैं यूरिया वगैरह फिल करने के लिए दिया गया है। कर देते हैं इसको क्लोज़। और भाई रियर लुक भी कार का काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, आप देख सकते हैं पीछे की साइड इसमें आप लोगों को इंटीग्रेटेड स्पॉयलर देखने को मिलेगा। ऊपर कुछ इस तरह से आप हाई माउंट स्टॉप लैंप देख सकते हैं, डिफॉगर्स वाइपर बॉसर सारा ही कुछ देखने में मिलेगा इसमें। बाकी भाई ये ब्लैक थीम काफ़ी अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो एन की बैजिंग कुछ इस तरह से एन रेड कलर में लिखा हुआ है। पीछे भी इसमें आप लोगों को टेल गेट पर रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। बात करें इसकी टेल लाइट्स की, तो भाई फुली LED टेल लाइट्स इसमें देखने के लिए मिलेंगी। इंडिकेटर्स वगैरह भी सब कुछ LED बेस्ड दिए गए हैं। और बात करें रियर बम्पर की, तो इसमें भी आप लोगों को कुछ इस तरह से पार्किंग सेंसर्स वगैरह देख सकते हैं, 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, और जो इसमें भाई क्रोम वगैरह लगी हुई है काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। बाकी यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स और कुछ ये आप बल्ब का सेटअप देख सकते हैं, जो कि भाई रियर जब आप गियर लगाते हैं तब ये जलते हैं। पीछे की साइड भी बम्पर में आप स्किड प्लेट देख सकते हो, इसकी स्टेपनी जो है वो भाई यहाँ पर प्लेस्ड की गई है, देख रहे होंगे। बाकी चलते हैं अंदर और देखेंगे अंदर क्या कुछ प्रोवाइड करती है गाड़ी।
सो भाई कर लेते हैं इसको अनलॉक। और सबसे पहले भाई आप ड्राइवर डोर की थीम चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से, जो कि भाई ब्लैक एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन दिया गया है। और बाकी ग्रैब हैंडल्स वगैरह इसके सिल्वर फिनिश पे पाएंगे, और डोर लॉक अनलॉक के लिए भी सिल्वर बेस्ड दिए गए हैं, जो कि ओवरऑल काफ़ी प्रीमियम लगते हैं देखने में। यहाँ पे देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, और ये कुछ आप इस तरह से देखेंगे। सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया गया है, फुली लेदरेट है। बाकी बात करें कंट्रोलिंग्स की, तो चारों ही इसमें आप लोगों को पावर विंडो देखने के लिए मिलेंगी। मिरर्स वगैरह साइड के कंट्रोल्स यहाँ पे देख सकते हैं आप। बात करें नीचे, तो यहाँ पर भाई आप लोग बोतल होल्डर्स वगैरह का ऑप्शन देखेंगे, और थोड़ी बहुत स्पेस एक्स्ट्रा दी गई है। चलते हैं कार के अंदर और देखेंगे अंदर क्या कुछ प्रोवाइड करती है। भाई अंदर आने के बाद सबसे पहले आप देख सकते हैं डैशबोर्ड की लुक्स वगैरह कुछ इस तरह से दिया गया है। बाकी भाई इसमें इंफोटेनमेंट वगैरह में आप लोगों को 8 इंच का टच डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, और 12 स्पीकर का सेटअप मिलेगा इसमें, जो कि भाई काफ़ी अच्छा आउटपुट देता है आप लोगों को। सोनी का म्यूज़िक सिस्टम प्रोवाइड करती है गाड़ी। और बात कर लें इसके भाई स्टीयरिंग व्हील की, तो कुछ इस तरह से आप लोग लेदरेट स्टीयरिंग व्हील देख सकते हैं, जिसकी स्टिचिंग वगैरह ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। बाकी भाई कोई अदर कलर से इसमें स्टिचिंग वगैरह नहीं की गई है रेड वगैरह से, अगर होती तो वो थोड़ी और ज़्यादा प्रीमियम लगती, क्योंकि कलर भी इसका रेड है। लेकिन ओवरऑल हालांकि काफ़ी अच्छी लुक देता है। सारे ही कंट्रोल्स इस पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे क्रूज़ और इन्फोटेनमेंट वगैरह के। बाकी भाई एयरबैग्स की बात कर लें, तो गाड़ी में 6 एयरबैग्स प्रोवाइड किए गए हैं आप लोगों को। मीटर वगैरह कुछ इस तरह से देखेंगे आप, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देता है। RPM और भाई किलोमीटर वाला स्पीडोमीटर आप लोगों को एनालॉग मिलेगा। बाकी बीच में आप लोगों को कुछ स्क्रीन देख सकते हैं। वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि भाई ऑटोमेटिक हैं। लाइट्स वगैरह के कंट्रोल यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये भी आप लोगों को ऑटोमेटिक देखने को मिलेंगे। बाकी साइड AC वेंट्स कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप, रेक्टेंगुलर शेप में। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा आप लोगों को। आ जाते हैं नीचे, तो भाई नीचे ये कुछ आप लोगों को हेडलाइट लेवलर वगैरह और ये बटन देखने के लिए मिलेगा। बाकी नीचे आप लोगों को बूट वगैरह एक्सेस करने के लिए बोनट वगैरह यहाँ पे लीवर दिया गया है। बात करें सेंटर AC वेंट्स की, तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं। बाकी आउटर एलिमेंट्स क्रोम वगैरह पर काफ़ी अच्छा लगता है। बात करें AC की, तो भाई यहाँ पर कुछ इस तरह से आप AC देख सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा इसमें आप लोगों को, जो कि भाई डुअल जोन पे मिलता है। ड्राइवर और को ड्राइवर का आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सेंटर में यहाँ पर आप लोगों को ये कुछ कंट्रोल्स वगैरह मिल जाएंगे, ड्राइव मोड। बाकी भाई ये देख सकते हैं आप, SOS वगैरह है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, सारा ही कुछ इसमें आप लोगों को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा वगैरह का काफ़ी सारे इसमें कंट्रोलिंग्स वगैरह दिए गए हैं। बात करें नीचे, तो नीचे भाई एयरबैग इसमें ऑन ऑफ करने का भी आप लोगों को ऑप्शन है को पैसेंजर को ड्राइवर साइड। बाकी 2 USB पोर्ट, एक चार्जिंग और एक भाई इन्फोटेनमेंट के लिए। भाई गियर लीवर कुछ इस तरह से देखने में लगता है, ये ऑटोमेटिक पे है, तो आप देख सकते हैं मोड्स वगैरह यहाँ पर लिखे हुए हैं। हैंड ब्रेक इसमें आप लोगों को मैनुअली मिलता है, 2 कप होल्डर्स के साथ। भाई यहाँ पर कुछ इस तरह से देखेंगे आप, की वगैरह रख सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। आर्मरेस्ट दिया गया है, जो कि भाई लेदरेट है, काफ़ी अच्छा लगता है। मटेरियल काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। डैशबोर्ड पर भी आप देख सकते हैं ब्राउन कलर में जो कॉम्बिनेशन दिया गया है वो फुली लेदरेट मिलता है, स्कॉर्पियो। बाकी को ड्राइवर डोर आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। दोनों ही साइड आप लोगों को ग्रैब हैंडल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप। बात कर लें ऊपर की, तो यहाँ पर आप लोगों को एक टिकट होल्डर, अंदर की लाइट्स वगैरह, कैबिन लैंप आप देख सकते हैं LED बेस्ड दी गई हैं। ये भाई ऊपर सनरूफ के कंट्रोल्स, और उसके जस्ट पास में आप सनग्लास होल्डर देख सकते हैं। और भाई IRBM डे नाइट शिफ्ट मिलेगा, जो कि मैनुअली है। ये आप माइक देख सकते हैं, और साथ साथ यहाँ पर एक वैनिटी मिरर देखने के लिए मिलेगा। और लाइट भी भाई LED बेस्ड दी गई है, काफ़ी अच्छी बात है। फ्रंट से इतना ही है, बाकी हाँ इसका ग्लव बॉक्स आप देख सकते हैं, जो कि भाई कूल्ड दिया गया है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कूल्ड ग्लव बॉक्स के साथ। इसमें आप लोगों को लाइट वगैरह भी मिल जाती है कुछ इस तरह से।
नीचे की बात कर लें तो यहाँ पर आप लोग ब्रेक और एक्सीलेटर के पेडल्स विजिबल हो रहे होंगे, जैसे दो पेडल्स दिए गए हैं। बाकी भाई चलते हैं पीछे और देखते हैं पीछे क्या कुछ प्रोवाइड करती है गाड़ी। रियर सीट दिखाने से पहले इसकी भाई ड्राइवर सीट जो दी गई है वो आप लोगों को इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेगी, जिसके कंट्रोलर्स वगैरह कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाती है। बाकी चलते हैं मिडल रो में और देखते हैं क्या कुछ प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले आप मिडल रो का गेट चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। यहाँ पर पावर विंडो कंट्रोल्स वगैरह दिए गए हैं। बाकी लेदरेट यहाँ पर भी आप लोगों को ट्रीटमेंट कुछ मिल जाएगा, स्टिचिंग वगैरह वाइट पे है, एक बॉटल होल्डर। बाकी चलते हैं अंदर, और अंदर आने के बाद सबसे पहले भाई आप यहाँ पे सेंटर एसी वेंट्स वगैरह देख सकते हैं, जिसके कंट्रोलिंग वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। और एक ये भाई आप लोगों को सी टाइप चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। स्पेस वाइज भाई कोई भी कमी आप लोगों को नहीं मिलेगी यहाँ पर सेकेंड रो में, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इसमें स्पेस मिल जाएगी आप लोगों को, नी रूम वगैरह काफ़ी अच्छा है। और सीट का जो भाई फैब्रिक वगैरह लेदर यूज़ किया गया है काफ़ी प्रीमियम है, यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा दिया गया है। बात करें साइड एरिया की तो साइड एरिया में भी भाई आप लोगों को तीन पैसेंजर बड़ी ईजिली बैठ जाएंगे इसमें। और बात कर लें इसके हेडरेस्ट वगैरह की तो इसमें आप लोगों को भाई 6 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। बाकी सेंटर वाला एक फिक्स्ड दिया गया है मिडल रो में, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे आर्मरेस्ट सीट में दिया गया है। भाई पॉलीथीन की वजह से ये खुल नहीं पा रहा है, अंदर आप लोगों को कप होल्डर्स वगैरह भी मिल जाएंगे इसमें। बात कर लें ग्रैब हैंडल्स की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये वाला आप चेक कर सकते हैं सेम दिए गए हैं, सॉफ्ट हैं। बाकी कोट हुक वगैरह दोनों साइड मिल जाएगा आप लोगों को, बीच में एक केबिन लैंप भी मिलेगी कुछ इस तरह से, जो कि फुली एलईडी बेस्ड दी गई है। और भाई इसकी जो सीट बेल्ट्स वगैरह हैं वो आप लोगों को नॉर्मली फिक्स्ड ही मिलेंगी, कोई भी एडजस्टेबल नहीं है। बाकी सेकंड रो में इतना ही है, चलते हैं लास्ट में और दिखा देता हूँ लास्ट सीट में आप लोगों को कितना क्या स्पेस मिलता है। एक्सेस करने के लिए आप लोग यहाँ से सीट को टॉगल कर सकते हैं, ये लीवर दिया गया है कुछ इस तरह से, वन टच में सीट टॉगल हो जाएगी। बाकी चलते हैं लास्ट रो में और देखते हैं लास्ट रो में कितना क्या स्पेस प्रोवाइड करती है कार। सो भाई लास्ट रो तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को अच्छी नहीं मिलेगी, थोड़ा आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे और ज़्यादा लंबी जर्नी आप इसमें ट्रैवल नहीं कर सकते। अंडर थाई सपोर्ट भी भाई ना के बराबर है, कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पर भाई बच्चे ही बैठ सकते हैं, एडल्ट्स लोग इसमें ट्रैवल नहीं कर सकते, थोड़ी मुश्किल हो सकती है। बाकी यहाँ पर ग्रैब करने के लिए दिया गया है, बाहर का व्यू हालांकि काफ़ी अच्छा है, ग्लास एरिया अच्छा दिया गया है, ऊपर ग्रैब हैंडल्स, एलईडी लाइट्स और स्पीकर्स वगैरह आप देख सकते हैं, सीट बेल्ट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। भाई दो लोगों के बैठने का ऑप्शन है इसमें, सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। बाकी भाई ओवरऑल लुक वाइज कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, कार काफ़ी अच्छी मिलेगी। बाकी बात कर लें इसके इंजन वगैरह की तो इसमें आप लोगों को 2200 सीसी का डीजल इंजन देखने के लिए मिलता है। भाई 2200 सीसी इंजन के साथ बात कर लें इसके माइलेज वगैरह की तो वो आप लोगों को कंपनी 15 kmpl का क्लेम करती है। और ओवरऑल भाई बात करें इसके प्राइसिंग वगैरह की तो कुछ आप लोगों को 21,64,000 समथिंग एक शोरूम देखने के लिए मिलती है। बाकी मैं हूँ इस समय ध्रुव तारा ऑटोमोटिव्स उरई में, अगर आप लोकल से ही हैं या फिर वीडियो के थ्रू आना चाहें तो यहाँ पर आकर विज़िट कर सकते हैं। भाई कैसी लगी आप लोगों को गाड़ी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और भाई गाड़ी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।